This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. I advise all of you to start your preparation from fill in the blanks. आपको नहीं पता आपके पेपर में fill in the blanks कितने नंबर की आती है. जनरल वालों 18 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आती है. 18 नंबर बहुत होते हैं. देख लो अपने सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आती है. और एकेडमिक वालों तुम्हारा आज देख लेना, पैसेज 1 आएगा उसमें 6-7 नंबर की ब्लैंक्स आती हैं. फिर पैसेज 2 में भी देखी जा रही है, पैसेज 3 में भी देखी जा रही है. 12 से 16 नंबर की फिलिंदा ब्लैंक्स आपके पास आती है. यानी कि एक बहुत बड़ा स्कोर आप इस एक टेक्निक को सीखकर कर सकते हैं, और वो है स्कैनिंग. स्कैनिंग सीख ले, हाउ टू स्कैन डेटा. अगर आपने डेटा को स्कैन करना सीख लिया, आपका एक सवाल निकल गया, और वो सवाल कौन सा है? ब्लैंक्स, जो जनरल रीडिंग में भी आता है और एकेडमिक रीडिंग में भी आता है. दूसरा सवाल जो मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. ये तकरीबन आपके पास सेशन के अंदर इसमें 7 नंबर का भी आ सकता है, ये सवाल 8 नंबर का भी आ सकता है. बस एक यही वाहे सवाल है जिसमें दिमाग चाहिए, बाकी तो मुझे आपकी आंखें चाहिए बस. आंखें, आंखों का कमाल है. तो आज के सेशन में 2 सवाल को डिस्कस करेंगे. तैयारी का फॉर्मेट जो है ना, थोड़ा सा चेंज करें अपना. क्वेश्चन वाइज तैयारी करने की आदत डालें. सबसे पहले ब्लैंक्स उठा लें, अपने जितने पास पेपर्स हैं उसमें से ब्लैंक्स को सॉल्व करके साइड में कर दें, ब्लैंक्स हो जाएंगी मुझसे. और ब्लैंक्स के साथ जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का बनता है. बल्कि 2 सवाल का कॉम्बिनेशन लाजमी है, ये कॉम्बो है. इसको आप टारगेट कर लें तो एकेडमिक वालों का पैसेज 1 क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पैसेज 1 के अंदर जो सवाल आता है वो क्या सवाल है? यही 2 सवाल आते हैं. पहला सवाल आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ब्लैंक्स, और दूसरा सवाल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. ठीक है बेटा, गॉट इट? और उसके बाद जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों का जो सेक्शन 1 आता, सेक्शन 2 तो निकल गया पूरा. सेक्शन 2 में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ब्लैंक, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. सिर्फ ब्लैंक्स आती है. और सेक्शन 1 के अंदर जो सवाल आता है वो पहला सवाल है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. यानी कि आपका तो आधा पेपर निकल गया आज के सेशन से. यह आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं. तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए. ये मेरी मंडे की कहानी होती है, हर मंडे को यही कहानी चलती है मेरी. सेक्शन 1, सेक्शन 2, पैसेज 1. एकेडमिक वालों का पैसेज 1 निकल जाएगा आज के सेशन से. और इसी तरह से क्वेश्चन वाइज तैयारी करनी है. क्वेश्चन वाइज मैंने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कर लिए, मैंने ब्लैंक्स कर लिए, हो गए 2 सवाल. अब अगला सवाल कल के ऊपर बात करेंगे. सर मेरा लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गया, मेरे एमसीक्यूज हो गए, सर मेरा लिस्ट ऑफ पीपल हो गया. देखो हर सवाल को डील करोगे ना कि मुझे ये सवाल. अच्छा, कुछ सवाल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन में ही प्रैक्टिस करना. जैसे मैंने एकेडमिक वालों से कह रहा हूँ, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कॉम्बो आता है, तो उसको आज मैं कॉम्बो में ही प्रैक्टिस करवाऊंगा. पहले आइए ब्लैंक्स करते हैं. सेक्शन सिर्फ सिर्फ ब्लैंक्स आती है. तमाम स्टूडेंट्स की आंखों की जरूरत है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा. एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस पूछने से इज्तनाब बरता करें. बातें करनी हो तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर ये बातें पूछ लिया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें मुझे वॉइस नोट, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. लेकिन मेरा रूटीन याद रखें, सुबह में 10 से 12 पढ़ाता हूँ, दोपहर में 3 से 5 पढ़ाता हूँ, 5 से 6 बजे तक अल्लाह को याद करता हूँ, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, 6 से 7 में चाय बनाता हूँ, पिलाता हूँ और पीता हूँ, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ाता हूँ. 11 बजे के बाद खाना खाता हूँ, बच्चों को सुलाता हूँ, फिर 12 बजे आपके लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, और फिर अल्लाह को याद करता हूँ, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, और जो पूरे दिन हो जाते हैं, और 2 बजे सो जाता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे फिर उठ जाता हूँ.
ठीक है, ये मेरा रूटीन है सिंपल सा। आप अपना वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया करें फजर की नमाज के बाद, अल्लाह को याद करने के बाद, गुनाहों से तौबा के बाद। मैं आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू करता हूँ 7 बजे के बाद, और आपके सुबह राइटिंग्स के रिस्पॉन्स दे देता हूँ, वॉइस नोट के रिस्पॉन्स दे देता हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले आज का सेशन शुरू करते हैं। आपकी भरपूर तवज्जा, देखो ब्लैंक्स के लिए कभी भी पैराग्राफ को रीड नहीं करना बेटा, डोंट रीड योर पैराग्राफ फॉर ब्लैंक्स। ना तुम्हें सारे सवाल को पढ़ने की जरूरत है, बस ये पढ़ लिया करो कितने वर्ड्स लिखने की इजाजत है। नो मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड लिख सकते हैं चलेगा, दो वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना। यू हैव अपने पास स्टॉप वॉच रखना, जो आज असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट सॉल्व करने का भी एक तरीका अपना सेट कर लो, अपने साथ स्टॉप वॉच रखा करो। तुम्हें आज मैं सेक्शन 2 का असाइनमेंट दूंगा, 14 नंबर का है, 14 मिनट में सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा 15 मिनट में, और मुझे फीडबैक दिया करो मेरे व्हाट्सएप पे, सर 15 मिनट में कर लिया, सर हो ही नहीं रहा, सर आधा घंटा लग गया। तो आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ दैट, गॉट इट? तो असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त अपने ही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, ये नहीं कि खाना चल रहा है असाइनमेंट चल रहा है, नहीं, असाइनमेंट के लिए आप 15 मिनट निकाल लें, आधा घंटा निकाल लें, और स्टॉप वॉच के साथ अपनी प्रैक्टिस करें। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां पर इधर देखिएगा, फॉर दिस सेंड योर डैश डिटेल्स एंड करंट व्हीकल इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स। बस आपने इसको रीड किया, जब आपने इसको रीड किया तो यहां पर लिखा हुआ है व्हीकल, यहां लिखा हुआ है सेंड योर। अच्छा, ये जो योर है ना, ये डिटरमिनर है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। योर डिटरमिनर डिटरमिनर से बदलता है, सेंड की जगह पर मैंने दो वर्ड्स पढ़े, लिख लो ऐसे, अपने नोट्स बनाना शुरू करो इस तरह से, सर ने दो वर्ड्स पढ़े सेंड की जगह पर, पहला वर्ड है प्रोवाइड, दूसरा वर्ड मैंने पढ़ा है गिव। अब आप जाइए, अगर आपकी इस तरह से वोकैबुलरी आप नोट करते रहे, सेंड प्रोवाइड गिव, और मैंने कहा डिटरमिनर है, डिटरमिनर, डिटरमिनर किसे कहते हैं सर? योर। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि योर को देयर से चेंज कर देते हैं, योर देयर, मैं पूरी इसकी फैमिली लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, मैन हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ये सब डिटरमिनर है, और माय भी हो सकता है, लेकिन योर और देयर अक्सर रिप्लेस होते हैं। फिर आगे व्हीकल है, व्हीकल गाड़ी को कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। आपने सारी चीजों को अपने पास देखा, और फिर आपने ये देखिए, अब आपने स्कैन करना शुरू किया, कहता है सेंड योर व्हाट, व्हीकल, तो व्हीकल को भी आपने पकड़ा, सर ये रहा व्हीकल भी, सर इंस्पेक्शन भी मिल गया, सर देखें वहाँ इंस्पेक्शन भी है, व्हीकल भी है, सर वो सेंड को शायद प्रोवाइड में बदल दिया है। एक वोकेबलरी और नोट करो, अपने हाथ में पेंसिल रखा करो, चैट में लिखने से ज्यादा अच्छी बात पता क्या है, मैं आज से आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा अगर आप चैट में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, डिटेल्स की जगह पर अपने पास वोकेबलरी नोट करो, इंफॉर्मेशन, मैं बार बार लिख नहीं सकता, सिर्फ तुम्हें गाइडलाइन के लिए मैं लिख रहा हूँ आज, डिटेल्स इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, ये खानदान अपने पास ऐसे नोट करते रहो। मैं एक और लिख दूँ इसका, डेटा, डिटेल्स इंफॉर्मेशन डेटा, ऐसे वोकेबलरी जमा करते हुए चलो, और 8 हफ्तों के अंदर तुम्हारे पास होनी चाहिए 500 वोकेबलरी। तो अब तुम अपने जवाब पर पहुंच गए, प्रोवाइड मिल गया, योर मिल गया, सेंड योर डैश डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर शिपमेंट। जब देखो इस लेवल की वोकैबलरी तुम्हारे पास होती है ना, तो तुम अपने जवाब पर पहुंच जाते हो। अच्छा, अब देखो तुम लोग खुद पहुंचोगे, मैं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों की नॉलेज में इजाफा करूंगा, और फिर तुम जाकर चीजों को तलाश करना। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, चेक द डॉक्यूमेंट सच एज बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट आर रेडी। अच्छा, याद रखना, जब सच एज लिखा हुआ होता है ना, तो सच एज की जगह पर मैंने अक्सर देखा है सच एज, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल को भी लिखने के बहुत सारे और तरीके, ईजी, ए जी, ईजी, और मैंने एक और भी याद, मुझे एक और भी मेरे ध्यान में आ रहा है, फॉर इंस्टेंस एक और भी आ रहा है एज,
ये सारे वर्ड्स मेरे जहन में है तो मैंने आपके सामने लिख दिए। आप लोग भी इस तरह से अपने पेंसिल चलाते रहा करो, पेंसिल हाथ में रखा करो। अभी तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जब मैं ना लिखूँ तो तुम अपने पास लिखा करो। अब कहते हैं चेक द डॉक्यूमेंट सच एज, और आगे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट। देखो ये बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बदल नहीं सकता, तो बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट को पहले पकड़ो। तो वो तुमने पकड़ लिया, ये कहलाती है स्कैनिंग और ये कहलाती है स्मार्ट रीडिंग। तुमने बर्थ सर्टिफिकेट को पकड़ लिया, बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ लिया, अब इससे पीछे चलो एंड। अच्छा मैंने एंड को अक्सर देखा है, एंड को मैंने अक्सर देखा है। काश मैं ये किताब लिख दूं तो बच्चों का कितना आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोग जमा करें वर्ड्स और फिर ये किताब आप लोगों के तवस्सुस से बन सकती है। एंड ऑल्सो और इसका इन एडिशन, इन एडिशन, एंड ऑल्सो इन एडिशन। देखो अब वहां लिखा हुआ है एंड और वहां लिखा हुआ है सच एज, तो यू विल नीड अ फोटो आईडी इन एडिशन टू योर बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। जवाब मिल गया तुम्हें। चेक द डॉक्यूमेंट्स एज, तुम्हें दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है। अब बच्चा पता है क्यों नहीं कर पाता आइल्स का पेपर, वो ये तलाश कर रहा है ये मिल जाए। तुम्हारे चाचा ने पेपर नहीं बनाया कि वो तुम्हें एज इट इज लिख कर दे देंगे चेक द डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करो, प्रॉपर नाउन को तलाश करो, ऐसे वर्ड्स ढूंढो जो मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें मेक श्योर द, मेक श्योर डैश आर ऑन इन साइड द व्हीकल। अब देखो डैश के बाद आर आ रहा है, टिप्स और ट्रिक्स को भी फॉलो किया करो। डैश के बाद आर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जवाब प्लॉरल में होगा। पहला मतलब यह है कि आपके पास कोई प्लोरल नाउन होगा और फिर इनसाइड भी लिखा हुआ है। तो देखो आगे पढ़ो इसी के, जहां तक तुमने पढ़ा था इसी के आगे देखो कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एस और ई एस है, देखो कोई ऐसा वर्ड है जो इनसाइड के बराबर है। तो इंटीरियर का वर्ड मिल गया, लिख लो अपने पास इंटीरियर इज इक्वल टू इनसाइड। बस ये लिखने की आदत डालो। देखो दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के तुम लोग लिखोगे ये बड़ा लंबा काम हो जाएगा। इंटीरियर इज इक्वल टू इन साइड और डैश आर ऑन, तो तुमने फॉरन अपनी टेक्निक को फॉलो किया सर डैश, तो सर लाइट्स आर ऑन। मेक श्योर, मेक श्योर का भी लिख लो, मेक श्योर इज इक्वल टू मस्ट, मेक श्योर इज इक्वल टू इंश्योर इज इक्वल टू मस्ट। बच्चे कहते हैं ये सब हमें लिख कर दे दे। देखो मैं ये लिख कर दे दूं ना एक पेपर पे तो भी कोई फायदा नहीं है, जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे ना खुद से अपनी आंखों से तो बात समझ नहीं आएगी। लेकिन देखो तुम्हारा पेपर ऐसे तैयार होना चाहिए, तुम्हारा रजिस्टर ऐसा रेडी होना चाहिए हर सवाल पर। चेक दैट द डैश इन द व्हीकल कैन इजिली बी सीन। अच्छा वो उस वहां पर जाओ, तुम्हें कोई ना कोई फैमिली का वर्ड मिलेगा, तो तुम्हें यहां पर वर्ड मिल गए, सारे वर्ड्स मिल गए, लेकिन तुम फिर भी जवाब पर नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ियों की नॉलेज कम है। चेक दैट द डैश इन द व्हीकल कैन बी इजिली सीन। अब कहता है ओपन ऑल इंटीरियर ड्रैप्स और ब्लाइंड्स टू स्लीपर एरियाज फॉर इजी इंस्पेक्शंस। कौन सी जगह That can be easily seen. So your answer is sleeper areas. ठीक है ना? Check that the sleeper areas in the vehicle. ऐसी जगह है जहां पर अंधेरा है, तो आप जरा अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल दें ताकि ब्लाइंड हटा दें ताकि वो आसानी से उसको इंस्पेक्ट किया जा सके। उड़ते हुए चले जाओ, अब देखो उड़ते हुए जाओ, यहां पर लिखा हुआ 19 पे आ जाओ बेटा, 19 पर, 19 पर कहते हैं द डैश एरिया टू कंप्लीट एन I-94 कार्ड। अच्छा अब I-94 को हमने स्कैन किया था, हाय अल्लाह वो तो हर जगह लिखे हुए I-94, 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 लो भाई I-94, ये तो चार चार I-94 मिल गए, अब क्या करें। लेकिन I-94 से पहले लिखा हुआ है एरिया टू कंप्लीट द डैश एरिया, और ऊपर तक अगर तुमने जो तुम नहीं पढ़ रहे वो तुम बेवकूफी कर रहे हो। क्या लिखा हुआ है एंड गो टू द, कहीं पर जाना है, गो टू यानी कि कोई लोकेशन है भाई,
किधर जाना है अपने को, गो टू। आप पूरे इस पैराग्राफ के अंदर गौर से पढ़िए और टू को तलाश करें, गो टू। ये देखो, इधर देखो भाई के साथ चलो भाई, ये देखो टू 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 टू, नहीं मिला, टू 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 टू, सर एक मिला, तो ये गो टू है, नहीं सर, गो टू गो टू गो टू, गो टू, टू मिला, नहीं सर, देख लो आके खोल के, टू मिला, नहीं मिला, इधर मिला, गो टू गो टू गो टू, रिपोर्ट टू, अब मिला गो टू, रिपोर्ट टू, कौन सा एरिया, गो टू दा, अब वहां पर पढ़ो ऊपर, एक गो टू वहां भी लिखा हुआ था, वो टू लिखा हुआ था सिर्फ, लेकिन अब लिखा हुआ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कोई वहां तो हमें लोकेशन चाहिए थी, तो कहता है रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू का मतलब गो टू इमिग्रेशन एरिया, और आगे देखो फिल आउट लिखा हुआ है, तुम्हारी वोकैबलरी अगर स्ट्रांग नहीं है तो लिख लो फिल आउट। अब देखो ये वोकैबलरी ऐसे जमा करते रहा करो भाई, गो टू, गो टू की जगह पर क्या आ गया आपके पास, रिपोर्ट टू, ड्राइव टू, रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू, ड्राइव टू, ठीक है, ये वोकैबलरी नहीं है बस हमारे पास, जिस दिन ये वोकैबलरी आपके पास आ जाएगी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा उसके बाद वो कहता है फिल आउट, वहां फिल आउट लिखा हुआ है, वहां कंप्लीट लिखा हुआ है, जब ही चीख चीख के कहता हूँ भाई फ्रेजल वर्ब्स याद कर लो, फ्रेजल वर्ब्स याद कर लो, लेकिन नहीं, हमारी ना घर पे कोई सुनता है ना यहाँ कोई सुनता है, अभी भी कह रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स पे काम कर लो, ये फिल आउट फ्रेजल वर्ब है, मैं अगले हफ्ते में 1-to-1 डिस्कशन के अंदर फ्रेजल वर्ब्स की स्लाइड शेयर करूंगा, फ्रेजल वर्ब्स याद करवाऊंगा, 100+ फ्रेजल वर्ब्स याद करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है देयर इज स्मॉल डैश फॉर दिस, आगे चलें, गो टू इमिग्रेशन एरिया, रिसीव वर्बल क्लियरेंस फ्रॉम अ यूएस ऑफिशियल, प्रोसीड इनटू द यूनाइटेड स्टेट, द चार्ज फॉर द, अच्छा अब यहां पर ये देखिए, अब वहां लिखा हुआ है स्मॉल, तो स्मॉल को लिखने का तरीका क्या है, स्मॉल को लिखने का तरीका नोट कीजिएगा, अब आप स्मॉल को ढूंढ रहे हैं भाई, देखे स्मॉल को वो किस तरह से लिख दिया उसने, $6, ये उसकी नजर में स्मॉल है। अच्छा मैं आपको, मेरे जहन में कुछ और भी आ रहा है वो भी लिख देता हूँ, कभी कभार आता है अंडर फोर, अंडर फोर, तो ये हो गए आपके बच्चे, अंडर 11, ये हो गए आपके टीनेजर्स, अंडर 11, अंडर 18, ये हो गए आपके टीनेजर्स, अबव 18, ये हो गए आपके एडल्ट्स। अब आप देख रहे हैं वर्ड्स को किस तरह से घुमाता है ये, समझ रहे हैं? अच्छा मैंने एक और, मुझे याद आ रहा है, शॉर्ट, तो उसने एक जगह लिखा शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म, और आगे उसकी जगह उसने लिखा 5 मिनट्स, 5 मिनट्स क्लिप, शॉर्ट फिल्म इज इक्वल टू 5 मिनट्स क्लिप, रील, आप लोगों की जबान में तो रील है, आ गई बेटा बात समझ, गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये गायब हो जाएगा स्क्रीन से। ये देखो ये होता है जब एक सवाल पढ़ते हैं, एक सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ तुम्हारे पास निकल कर आता है, ये वो मवाद है जो तुम्हें जमा करना है मेरे हर सेशन को रिकॉर्डेड ऑनलाइन सुन सुनकर, खुद से प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आती हैं, हमने खुद से सॉल्व किया हुआ है, रीडिंग मैंने की हुई है, मैंने सारी बुक्स सॉल्व कर ली है, बुक 11 टू 19, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन क्या ये नॉलेज आपके पास आई है? देखो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, असल चीज है जब आप सॉल्व करें तो उसके अंदर की जो साइंस छुपी है वो बाहर लेकर आए, वो आप खुद से नहीं ला सकते, ठीक है। अब आपने देखे एक सवाल सुनकर आधा सफा भर दिया, तो अगर आपने पूरा सवाल अभी सुन लिया तो आपके तो रजिस्टर का एक सफा भर जाएगा, है भाई? चल आगे चलते हैं। सूटेबल, 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 सूटेबल की जगह कोई वर्ब इस्तेमाल करेगा तो वो सूट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सूटेबल, सूटेबल की जगह पर मैंने अक्सर जो वर्ड पढ़ा है वो अप्रोप्रिएट का वर्ड पढ़ा है, अप्रोप्रिएट, अप्रो Create. देखें तलाश करें, अगर आपको अप्रोप्रिएट मिल गया आपको जवाब मिल गया, देखो ये वोकैबलरी होनी चाहिए दिमाग में,
आपने सुटेबल पढ़ा, जवाब मिल गया। ढूंढो 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 ढूंढो, मिल गया। कौन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में भाई रीड करना है, लिखा हुआ है ईजी, लिखा हुआ है ईजी, अभी याद करवाया था फॉर एग्जाम्पल, तो देखो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल भी मिलना चाहिए। नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है, मिल तो गया। मैंने एज सिंपल एज मैंने लिखवाया था ना, एज सिंपल एज जैसे अप्रोप्रिएट चेयर। अब लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ अरेंजमेंट्स टू डील विद वर्क रिलेटेड, तुम्हें कौन सा वर्ड तलाश करना है, वर्क। तुम्हें वर्क इसी के आगे चलो, इसी के आगे चलो, तुम्हें वर्क कहाँ मिल रहा है सर, वर्क प्लेस मिल रहा है, बस इसी सेंटेंस को पूरा पढ़ो। देखो फैमिली वर्ड मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। अब वो कहता है डील विद एनी वर्क रिलेटेड इन केस वेयर एन एम्प्लॉय सफर्स फ्रॉम एन एलर्जी कॉज बाय समथिंग इन द वर्क प्लेस। तो जवाब क्या हो गया, वेरी गुड, टू डील विद एनी वर्क रिलेटेड एलर्जी, वर्क रिलेटेड, तो वर्क प्लेस आपको मिल गया। अच्छा अब यहां देखो, टाइम ऑफ टू डील विद शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर देखो वोकैबुलरी अच्छी होती है ना, तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लिमिटेड, फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म ऑपोजिट होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म देखो टेम्प्ररी, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज हर्डल्स चैलेंजेस, चैलेंजेस, सही है भाई, हर्डल्स डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स चैलेंजेस, पूरी फैमिली लिख दी। अब आइए देखें, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, रिलेटिंग टू प्रेपोजिशन है तो ब्लैंक से पहले प्रेपोजिशन ही मिलेगा आपको। डिपेंडेंट्स, टेम्पररी डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू डिपेंडेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ, मिल गया ना वर्ड, डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आर डैश टू हेल्प विद डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ है, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेस्टिक होम, कहते हैं ना डोमेस्टिक वर्क, होम चोर्स, डोमेस्टिक होम। तो कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट दैट आर, पॉसिबिलिटी एम्प्लॉयज हैव द रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट फ्लेक्सिबल वेज ऑफ वर्किंग, पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आर कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, दैट एम्प्लॉयज हैव द राइट टू रिक्वेस्ट फ्लेक्सिबल वेज ऑफ वर्किंग, और ऊपर सिर्फ वन वर्ड लिखने की इजाजत है। आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दो उंगलियां रख के जूम कर सकते हैं, वेरी गुड, फ्लेक्सिबल, 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 फ्लेक्सिबल वेज नहीं लिखेंगे, दैट आर वेज टू हेल्प, दैट आर फ्लेक्सिबल टू हेल्प, ठीक है ना। आपने मेरी पुरानी टेक्निक को फॉलो किया कि आर के बाद प्लोरल आएगा, लेकिन बेटा कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। चले अच्छा अब आइए, मेक इट क्लियर दैट द एब्सेंस इज अ पॉसिबल रीजन फॉर, देखो अपने स्टेटमेंट को गौर से देखा करो, रीजन फॉर एक फ्रेज है, रीजन फॉर पॉसिबल का जो वर्ड है ना, पॉसिबल का जो वर्ड है, पॉसिबल, पॉसिबल मे बी परहैप्स, परहैप्स मे बी, परहैप्स पॉसिबली मे बी प्रोबेबली
सब एक ही खानदान के, प्रोबेबली स्मॉल चांस यू भी लिख देता है, स्मॉल चांस, और सिर्फ लिख देता है देर इज अ चांस, स्लाइट चांस। तो अब देखिए लिख, उसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एब्सेंस। तो आप जाइए मेक इट क्लियर। अब मेक इट क्लियर का भी कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा, ये बात ध्यान में रखना, मेक इट क्लियर का भी कोई ना कोई वर्ड जरूर मिलेगा आपको। मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर, देखो मेक इट क्लियर, एक्सप्लेनेशन मेक इट क्लियर, रीजन फॉर, मेरे सारे वर्ड्स को तलाश करो। देखो पॉसिबली, पॉसिबली मे बी, और अगर इसकी जगह पर मॉडल वर्ब लगाओगे तो तुम्हारे पास तीन मॉडल्स आते हैं, मे माइट कैन और कुड। मिल गए आपको तीन मॉडल्स, ये पूरा खानदान है, याद कर लिया करो, ये खानदान है पूरा, और इसी ये खानदान इसी तरह से घूमता हुआ आता है आपके पेपर में। देखो मे आ गया, पॉसिबली रिजल्ट इन, रिजल्ट इन, रीजन फॉर, देखो बिल्कुल सेम डिट्टो खानदान उड़ाया उन्होंने, रिजल्ट इन, रिजल्ट इन, रीजन फॉर, रिजल्ट। अच्छा स्टार्ट भी देखो सेम लेटर से हो रहा है, ये भी टेक्निक्स है, रीजन फॉर, रिजल्ट इन, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, एंड योर आंसर इज डिसमिसल। आपने देखा मेक इट क्लियर, एक्सप्लेनेशन, पॉसिबल, आप पूरा खानदान लिख दिया, ये जब भी आएगा इसी तरह से घूमेगा। अच्छा अब जाओ आस्क एम्प्लॉयज टू कंसर्न, आस्क एम्प्लॉयज, बेटा वो मैं पैटर्न तो मैं सारा कल बता चुका हूं ना, मैं अपनी ओरिएंटेशन में पैटर्न पूरा गाइड करता हूँ, ये तो मेरी रेगुलर सेशंस होते हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। आस्क एम्प्लॉयज फॉर कंसर्न बिफोर कॉन्टेक्टिंग दियर, अब देखिए कॉन्टेक्टिंग दियर डैश, आपको फिर दोबारा डिटरमिनर मिला, डिटरमिनर मिला, डिटरमिनर, डिटरमिनर, कॉन्टेक्ट और डिटरमिनर, कॉन्टेक्ट और डिटरमिनर। देखो कॉन्टेक्ट मिल गया, डिटरमिनर को मिल जाएगा सेशन के बाद में, उससे ले लीजिएगा कॉन्टेक्ट। एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है ना उसका ताल्लुक डिटरमिनर से, का एम्प्लॉइज का कहते ना, एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज का, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, डिटरमिनर लगा दे, हिज उसका, हर उसका, दियर उसका, उनका, सेम मीनिंग्स है, नोट कर लेना अपने पास। एम्प्लॉइज डॉक्टर, आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज अफेक्टेड बाय डैश एंड प्रोवाइड सपोर्ट, आइडेंटिफाई करें वो किस चीज से इफेक्ट है और उसको देखें, देखें आप लोग आजकल किस चीज से इफेक्टेड है, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। कंसिडरेशन शुड बी गिवन इंट्रोड्यूसिंग टू हेल्प एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस सीनियरिटी हु मे बी सफरिंग फ्रॉम अफेक्टेड बाय। अच्छा देखो टेक्निक जरा समझना, प्रेपोजिशन चिपकाया हुआ है तो प्रेपोजिशन चिपकाया है, प्रेपोजिशन को तलाश किया करो, डैश से पहले प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन, तुम जवाब पर पहुंच जाओगे। सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, अफेक्टेड बाय, सफरिंग फ्रॉम, अफेक्टेड बाय, सफरिंग फ्रॉम, मुबारक हो। अब मुझे थोड़ी देर के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का दिमाग चाहिए, थोड़ी देर के लिए, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे दिमाग की जरूरत है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है भाई। अच्छा याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जवाब सीक्वेंस में मिले, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां,
आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब भी सीक्वेंस में मिलते हैं। ये दोनों सवालात के जवाब हमेशा सीक्वेंस में मिलते हैं। जब भी मैं आज के सेशन के अंदर सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे बात करता हूँ ताकि आपका जहन क्लियर रहे, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखिएगा, दो सवाल आपके पास, आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स पढ़ने, डोंट रीड 10, 11, 12, 13, 14, जस्ट रीड टू स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स कैन बिगिन द 1 ईयर कोर्स विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग। स्टूडेंट्स विल एक्ट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म। आपने दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, दो स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद बस अब नाउ स्टार्ट रीडिंग। मेरी एक और एडवाइस आ रही है, डोंट रीड अगेन एंड अगेन, जस्ट रीड वंस, ठीक है ना बेटा? मैंने हमेशा 10 दफा बताता हूँ, जनरल से शुरू करता हूँ, एकेडमिक पे जाता हूँ। एकेडमिक का पेपर पैटर्न नहीं पता तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर दिया करें ना मुझे सेशन के अंदर, मैं ये बातें किस तरह से समझाऊं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मिलियंस ऑफ टाइम द पेपर पैटर्न। आपको नहीं समझ आता मुझसे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, बात करें, मैं आपकी हर मसले का हल दे देता हूँ, ठीक है ना? तो सीक्वेंस नहीं समझ आती है तो आप मुझसे गाइडलाइन ले लीजिए, ठीक है? चले, परेशान ना हो, वैसे इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है आजकल। स्टूडेंट्स कैन बिगिन द 1 ईयर कोर्स विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग। आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, दिमाग यूज करना है भाई, दिमाग चाहिए, बस 5 मिनट के लिए दे दो। स्टूडेंट्स विल एक्ट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म। और ये वाहिद सवाल है जिसमें सर थॉरो रीडिंग करेंगे। अब सर को पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, अभी तो संडे कोई पैराग्राफ पढ़े नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला पैराग्राफ में लिखा गया था। समझने की जरूरत भी नहीं है जब ब्लैंक्स हो, लेकिन अब आपको एक एक लाइन को थॉरो रीड करना पड़ेगा, थॉरो रीडिंग करनी पड़ती है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये नॉट गिवन है? नॉट गिवन का मतलब होता है ये डाटा यहाँ पर नहीं है, और ये जब ही पता चलेगा जब आप रीड करेंगे। तो डोंट स्कैन, डोंट स्कैन व्हेन यू आर डूइंग ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, रीड ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी सिंगल लाइन। स्टूडेंट्स कैन बिगिन, हाँ स्मार्ट रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर कोर्स, तो मैंने देखा 1 ईयर कोर्स मुझे कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे वैसे तो नजर नहीं आ रहा, मैंने स्टार्ट शुरू से ले रहा हूँ। कहता है दिस इज एन इंटेंसिव कोर्स, मिल गया 1 ईयर कोर्स, ऊपर ही लिखा हुआ हेडिंग में, दिस इज एन इंटेंसिव कोर्स विच इज डिजाइन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक स्टडीज एंड हैव सम थिएटर और फिल्म एक्सपीरियंस ऑलरेडी। वहां तो कह रहे हैं, जरा देखिएगा भाई साहब, देखिएगा वहां कह रहा है, क्या कह रहा है, विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग। वो कह रहा है भाई, हु हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक स्टडीज एंड हैव सम थिएटर एक्सपीरियंस, कोई ड्रामे व्रामे में आपने काम किया हो भाई, छोटा मोटा रोल हो। वो कह रहे, नहीं आप, कोई मसला नहीं है भाई, विदाउट एनी प्रीवियस आ जाए भाई, आप कोई मसला। क्या वो कहना, क्या हो गया भाई, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बात तजाद आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन स्टेटमेंट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। और पेपर में फॉल्स कैपिटल में ही लिख कर आइएगा, ये एफ मत लिख कर आ जाइएगा, वरना आप एफ से फेल हो जाएंगे, ठीक है ना? आपको पूरा लिखना है बेटा फॉल्स। सर स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे? कैपिटल में लिखना है। और देखो अब लिखते हुए गलतियों गलतियों की इंतहा देखो, याद रखना कि ये जो सवाल है ये एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, ये मशीन चेक करेगी। अब तुम्हारा ट्रू देखो कैसा है, तुमने ट्रू लिखते हुए ये लिखा, सर मेरा पेपर कसम से अल्लाह की कसम बहुत टाइट हुआ था, लेकिन तुम्हारा ट्रू जो है ना वो ये था, तुम्हारा जो यू था वो वी था। अब मशीन पढ़ रही है ट्रू, वो ट्रू पढ़ी रही, पढ़ा ही नहीं जा रहा, गलत कर देगी वो आपका जवाब। अब आपने फॉल्स लिखना है, आपने फॉल्स लिखा तो फॉल्स, भाई आप फॉल्स लिख रहे हैं ना तो साफ सुथरा लिखें कि उसको पढ़ने में आए, बिकॉज इट्स देयर इज मशीन चेकिंग। वो आपका पेपर मशीन से चेक होता है, स्कैन करते हैं,
कैपिटल में लिख कर है साफ सुथरा, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी आंसर शीट के ऊपर, ठीक है? चले अच्छा, स्टूडेंट्स विल एक्ट, जब एक जवाब मिल जाए तो दो स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लीजिए। स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऊपर लिखा हुआ है, टर्म वन। स्टूडेंट्स विल एक्ट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। आइए, टेक्निकल क्लासेस इन एक्टिंग, वॉइस मूवमेंट्स, अप्लाइड मूवमेंट्स एंड करेक्टराइजेशन, म्यूजिक, सिंगिंग, फिल्म, रेडियो एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द टर्म फिनिशेस विद एन इंटरनल प्रोडक्शन गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स। ट्रू और फॉल्स? विल एक्ट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स बोले तो स्टूडेंट्स, और ऑब्वियसली जब स्टूडेंट होंगे तो टीचर तो होने ही है ना, टीचर के बगैर कैसे होगी भाई, कॉमन सेंस, ठीक है ना। एंड इंटरनल का मतलब इनसाइड द क्लास, इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। अब कुछ लोग कहते हैं सर देखे ट्यूटर्स तो नहीं लिखा ना, तो भाई वो परफॉर्मेंस होती है इसके सामने, स्टूडेंट्स विल एक्ट इन परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है ना। चलिए, ट्रू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फैमिली मेंबर्स में अटेंड अ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सेकेंड टर्म। आपके माता पिता, अब्बा जान, दादी जान, घर वाले, भाभी, मंगेतर सब आ सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस देखने। आइए पढ़िए, ऑल टेक्निकल क्लासेस कंटिन्यू फ्रॉम टर्म वन। देयर इज एन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ अ वन एक्ट प्ले, देन रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो शॉल एट अ प्रोफेशनल स्टूडियो एंड शोकेस ड्रामा इन फ्रंट ऑफ इनवाइटेड ऑडियंस इंक्लूडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड एजेंट्स। कहाँ लिखा हुआ, किधर है, किधर है, दूर दूर तक बता दो कि आपके अम्मा जान, अब्बा जान आ सकते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, फैमिली मेंबर्स मे अटेंड, ना फैमिली मेंबर्स का जिक्र है ना उन्होंने ये कहा है मे अटेंड। तो जब असल चीज होती है वर्ब को देखा करो, मे अटेंड मुमकिन है शिरकत करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो आपका आंसर हो गया नॉट गिवन, ठीक है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म। फिर दो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म ऑन देयर ओन इन द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म। आइए पढ़िए, टेक्निकल क्लासेस कंटिन्यू विद एडिशनल फोकसेस ऑन ऑडिशन टेक्निक, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस। दिस टर्म्स इंक्लूड्स अ पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले आउटडोर्स इन द ग्राउंड्स ऑफ पैलेस एंड द चांस टू एक्ट अ शॉर्ट फिल्म। जी जी सर, ट्रू, ये पाकिस्तानी हरकत है। अबे पूरा तो पढ़ लो भाई, सर देखे ना लिखा हुआ है ना सर, मेगा फिल्म सर देखे ना, अच्छे सर, प्यारे सर देखे, एंड चांस टू एक्ट अ शॉर्ट फिल्म। देखो ये गलतियां करते हो तुम लोग, पूरी बात नहीं सुनते हो ना पढ़ते हो। रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन बाय अ प्रोफेशनल क्रू, और वहां क्या लिखा हुआ था, ऑन देयर ओन, खुद से, वहां लिखा हुआ है बाय अ प्रोफेशनल क्रू, वहां लिखा हुआ है ऑन देयर ओन। अब बताओ ट्रू है या फॉल्स है? है ना, बात देखो आधी पढ़ने पर भी तुम्हारा जवाब तुम गलत लिख कर आ जाते हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर पेपर। इन द फर्स्ट एडिशन, यस वेरी गुड हमजा, इन द फर्स्ट एडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म स्पीशियस दे हैव वर्क ऑन इन एडवांस। आप लोग अपने मोबाइल में एडवांस पैसे डलवाते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं, पी से क्या कहते हैं आप लोग, जो आप लोग पैसे डलवाते हैं उसको, कौन सी सिम होती है आप लोगों के पास? वेरी गुड, प्री, प्री पेड, यानी कि पहले पैसे दो फिर इस्तेमाल करो, यानी कि प्री का मतलब होता है पहले से, प्री। तो देखें आपको वो कहते हैं इन एडवांस, अपने पास वर्ड नोट कर लो, इन एडवांस इज इक्वल टू प्री। तो कहता है भाई इन देयर फर्स्ट ऑडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म, फर्स्ट ऑडिशन कहाँ लिखा हुआ है भाई, फर्स्ट ऑडिशन का मतलब होता है इनिशियल ऑडिशन, इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल ऑडिशन लिखो, फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट इनिशियल। यू विल नीड टू प्रीपेयर टू कंट्रास्टिंग स्पीचेस फ्रॉम प्लेस। तो उन्होंने जब प्रीपेयर कह दिया तो इसका मतलब है परफॉर्म स्पीचेस दे हैव वर्क ऑन इन एडवांस। तो आपका जवाब हो गया इन एडवांस इज इक्वल टू प्रीपेयर, पहले से तैयार होंगी इन एडवांस, ठीक है।
आगे चलो। द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा विल सेंड कैंडिडेट्स डिटेल्स ऑफ लोकल अकोमोडेशन। मुझे आंखें खोलो, दिमाग खोलो, तुम्हें यहां पर कहीं पर नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा। देखो दूर दूर तक देखो, द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा नजर आ रहा है, आ रहा है नजर नहीं आ रहा, आ रहा है द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा लिखा हुआ है। अच्छा कहीं लोकल अकोमोडेशन लिखा हुआ है, देखो रहने सहने की जगह अकोमोडेशन, कहीं भी ऐसे कोई दो वर्ड्स आपको लिख कर दिए नहीं, जब ऐसी कोई है ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो भाई आपका जवाब क्या होगा? योर आंसर विल एब्सोल्युटली बी नॉट गिवन, नॉट गिवन, टेंशन नॉट, नॉट गिवन में डाटा है ही नहीं। कभी कभार ऐसा करते हैं, कभी कभार ऐसा करते हैं कि कोई डाटा लिख कर दे देते हैं बच्चे को परेशान करने के लिए, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है। ओवरसीज कैंडिडेट्स कैन डू ऑल देयर रिकॉर्डिंग्स वाया डिजिटल लिंक इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज। हाँ सर, आगे ओवरसीज यू विल बी एबल टू सबमिट योर फर्स्ट ऑडिशन बाई मीन्स ऑफ डीबीटी यूट्यूब लिंक और सिक्योर वेबसाइट। ट्रू और फॉल्स? ओवरसीज कैंडिडेट्स कैन डू ऑल देयर ऑडिशन। ट्रू, ट्रू। दो जवाब आ गए, बाकी जवाब दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। हाँ सर देखे ना, लिखा हुआ तो है, आप पढ़ लें। हाँ हाँ बहन पढ़ रहे हैं। ओवरसीज स्टूडेंट्स, देखे सर लिखा हुआ है ना, ओवरसीज स्टूडेंट नजर आ रहा है आपको? जी जी बेटा आ रहा है, डांटो तो नहीं। इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज यू विल बी एबल टू सबमिट। ओवरसीज कैन डू ऑल देयर ऑडिशन वाया डिजिटल लिंक्स। ऑडिशन बाय, देखे लिखा हुआ है सर, बाय मीन्स ऑफ डीवीडी यूट्यूब और लिंक टू अ सिक्योर वेबसाइट। बस ये पढ़ लिया। ये नन्हे नन्हे से वर्ड्स जो है ना, ये आपकी लुटिया डिबो देते हैं। वहां लिखा हुआ है ऑल और यहां लिखा हुआ है फर्स्ट। बस यही नन्ही नन्ही सी बातें हमारा बच्चा देखता ही नहीं है। यू विल बी एबल टू सबमिट योर फर्स्ट ऑडिशन, वहां लिखा हुआ है ओवरसीज स्टूडेंट्स कैन डू ऑल देयर ऑडिशंस वाया डिजिटल लिंक। आप बता दो, एक वर्ड ने फैसला कर दिया ट्रू और फॉल्स का। लेकिन आपको नजर आ रहे थे ओवरसीज स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहे थे ऑडिशन डिजिटल लिंक। हाँ भाई साहब बिल्कुल ट्रू है, जबकि जवाब क्या निकला? फॉल्स। आई बात समझ? असाइनमेंट आएगा एक, इसी तरह से मैं आपको 7-8 ट्रू फॉल्स दूंगा। टाइम जरूर नोट करना कि सर मैंने 7 मिनट में कर लिए। अगर तुमने 7 मिनट में कर लिए, रात सोने से पहले असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं करोगे। हमारा ये जा रहा है, तुम ही जाओगे लंदन। चले भाई आ जाए, एकेडमिक वालों की ख्वाहिश। भाई हम क्यों कहते हैं, हम क्यों चीख चीख के कहते हैं कि एकेडमिक रीडिंग, जनरल रीडिंग से एकेडमिक रीडिंग पर आओ। देखो जिंदगी आसान ना हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स है, बस दुआ मैं ये करता हूं, मेरी दुआ है आप सबके साथ, अभी नमाज पढ़ के बैठा हूं आपकी क्लास लेने। दुआ ये है कि अगर ये सवाल इस तरह से आता है, कॉम्बिनेशन के साथ आता है, आपका पैसेज वन आता है एकेडमिक वालों, तुम्हारा पैसेज वन आता है, अभी सेक्शन वन था जनरल वालों का ना, सवाल की टाइप वही है, वही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम फॉलो करेंगे। बस दुआ ये करता हूं कि अगर आपके पास ये कॉम्बो आता है तो पहले तुम फिलिंदा ब्लैंक्स निपटाओ और उसके बाद तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब मिल जाए। जिंदगी आसान, स्कैनिंग आपको मैंने करना सिखाई है, आइए हम स्कैन करते हैं पहले। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इधर देखो, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अब देखो तुम मुझे बता, अब कहे कोई कि एकेडमिक रीडिंग मुश्किल है, डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज तलाश करो, और यहाँ लिखा हुआ है अलाउड बिजनेसेस टू इंफॉर्मेशन रेगुलरली। बता दो इंफॉर्मेशन का वर्ड मैंने किससे याद करवाया है? आज ही की तारीख में जनरल रीडिंग करवा रहा था मैं और मैंने वोकैबुलरी याद करवाई थी, बता दो, बता दो, वरना नसें काट लूंगा। इंफॉर्मेशन, डेटा और एक वर्ड और भी था भाई, डिटेल्स। अब आप, अच्छा रेगुलरली एडवर्ब है, टाइम टाइम है,
टाइम को टाइम से ढूंढेंगे इंफॉर्मेशन। अच्छा अलाव, ग्रामर आती है, मॉडल वर्ब्स आते, नहीं आते तो हमारी लैंग्वेज क्लासेस लिया करो। कौन सा मॉडल वर्ब है इसमें से बताओ जो तुम्हें परमिशन की बात करता हुआ नजर आता है? कैन और कुड बात करता है परमिशन की, यू कैन गो, अलाउ, यू कैन गो, यू गिव परमिशन टू समवन, कैन आई कम इन सर, परमिशन ले रहे हैं आप, कुड आई कम इन सर, परमिशन। तो कैन और कुड का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए करते हैं। अच्छा बिजनेसेस को चेंज करना पॉसिबिलिटी नहीं है, या अच्छा ग्रामर के रूल्स फॉलो करो। बताओ टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसको हम दूसरे मुश्किल जबान में कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखो तुम्हारी काबिलियत का टेस्ट है ये। अब तुमने अपने पेपर को देखा, अलाउड, इंफॉर्मेशन, रेगुलरली और टू। अब तुम्हारी जो जहानत है मैंने उसमें इजाफा कर दिया है। रेगुलरली एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब से रिप्लेस होगा रेगुलरली, रेगुलरली, देखना अब ये किससे चेंज होगा। अब जरा जाओ, पहले तो तलाश करो डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज। तो तुमने तलाश कर लिया डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, कौन कहता है कि पढ़ने की जरूरत है मत, कौन कहता है यार, कौन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में रीड करना है, पर मिल गया आपको डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, सही है। अच्छा अब आप बिजनेसेस को तलाश करें, अब आप बिजनेसेस को तलाश करें, जैसा देखें बिजनेसेस आपको कहीं मिल रहा है, ऊपर देख लें, ऊपर वाले पैराग्राफ में देख लें, अगर नहीं आपको कहीं मिल रहा हो बिजनेसेस का वर्ड तलाश करें। मिला नहीं मिला, आंखें खोलो, मिलेगा, बिजनेसेस का वर्ड तलाश करें, ये रहा बिजनेसेस, मिल गया आपको। अच्छा अब आप देखें, वर एबल टू, अगर आपको थोड़ी सी ग्रामर आपने हमसे पढ़ी होती तो कैन कुड, और आपने हमसे ये भी पढ़ा होता कि मॉडल की जगह हम पढ़ाते हैं अपनी लैंग्वेज क्लास में बी एबल टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो आपका वो चेंज हो गया, अलाउड, बी एबल टू, टू मिल गया आपको। आगे बढ़ो, इंफॉर्मेशन, डिटेल्स मिल गया, और आगे जाओ, रेगुलर बेसिस मिल गया, सारी चीजें मैच हो गई, जवाब दे दो, अपडेट। ऐसे स्कैनिंग किया करो पेपर में। अच्छा देखो अब जो प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल होता है ना वो बदलता नहीं है भाई, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल को बदलना नामुमकिन सी बात है कि प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल को आप चेंज करें। आगे भागो, तलाश करो ऑन द, आंखें खोल के तलाश करो ऑन द, ऑन द, जहां जहां तुम्हें ऑन द मिल रहा है उसको सर्कल कर लो अपने पास, सर एक मिला ये मिला ऑन द, सही है, ऑन द वेबसाइट, और क्या मिला सर ये मिला ऑन द एनवायरमेंट। अच्छा अब तुम अपना सेंटेंस पूरा पढ़ो, देयर इम्पैक्ट ऑन द, अब वहां से भी दो वर्ड्स पीछे से पढ़ो, देयर इम्पैक्ट ऑन द, इम्पैक्ट इज इक्वल टू इफेक्ट, इम्पैक्ट इज इक्वल टू इफेक्ट, इम्पैक्ट इज इक्वल टू इफेक्ट, ये तुम्हारी वोकैबलरी होती है जो तुम इजाफा करते हुए जाते हो, इम्पैक्ट इज इक्वल टू इफेक्ट ऑन द, ऑन द, ऑन द एनवायरमेंट। और यहां से स्पेलिंग देखकर जो ना पेपर में गलत मत लिखना, गॉट इट? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ई जी यहां पर लिखा हुआ, एग्जाम्पल एन इंटरव्यू विद अ फॉर्मर स्पोर्ट्स, पहुंच जाओ, पहुंच जाओ, तलाश करो इंटरव्यू को, तलाश करो इंटरव्यू, ये सर जवाब तुम लोग लेकर आओगे, मैंने हलवा कर दिया। इंटरव्यू विद फॉर्मर स्पोर्ट्स, आगे पढ़ो और जवाब लेकर आओ। देखो स्पोर्ट्स वहां लिखा है, वहां स्पोर्ट्स लिखकर दे दिए,
वो स्पोर्ट्स का कौन? वेरी गुड। अब इतना भी ना समझ आए तो फिर बेटा क्या करें हम आपका। वेरी गुड अनीता, वेरी गुड। अब बेटा वन वर्ड लिखने की इजाजत है आपको, ऊपर पढ़ लीजिए। अब टाना लिख दू, टाना ओमेगा, वो कौन था? पूरा पढ़े, रग्बी कैप्टन। रग्बी इज अ स्पोर्ट, रग्बी इज इक्वल टू स्पोर्ट, आपको कैप्टन लिखना है। सना वेरी गुड, ठीक है चलिए। अच्छा उसके बाद देखिए, वेरी गुड सभा। एन इंटरेक्टिव टूअर वेरियस लोकेशन यूज्ड इन, आगे पढ़ते हुए जाओ। वेरियस लोकेशन यूज्ड इन, तो खुद लेकर आओगे तुम लोग। वेरियस लोकेशन यूज्ड इन, लोकेशंस का वर्ड मिल गया, बस पढ़ते हुए जाओ। यूज्ड इन किस में बेटा? एक वर्ड लिखना है आपको कमर, एक वर्ड। कैप्टन, महक, दोबारा पढ़े। वेरियस लोकेशन यूज, इंटरेक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशन यूज्ड इन, कहता है अ नंबर ऑफ लोकेशन चूजन फॉर ब्लॉक बस्टर फिल्म। वेरी गुड समन, फिल्म फिल्म। आगे चलिए, अब यहां देखिए लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स। यस वेरी गुड राजा। इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स वेरीड डिपेंडिंग ऑन द, ड्राइविंग रूट्स नजर आ रहे हैं आपको? आगे पढ़ते जाए, ड्राइविंग रूट्स नजर आ रहे? नहीं सर, अल्लाह ने आंखें दी है, इस्तेमाल करें भाई। जी सर, ड्राइविंग रूट्स, डिफरेंट रूट्स, डिपेंडिंग ऑन द, देखो प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल पकड़ो आगे। डिपेंडिंग ऑन द, पूरा फ्रेज मैच हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन, ये टेक्निक होती है इनकी। डिफरेंट इज इक्वल टू वेरी, लिख लो, डिफरेंट इज इक्वल टू वेरी। डिपेंडिंग ऑन द, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द सीजन। लोकल, कोई मुझे बता सकता है? अभी मैंने आपको डिटेल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिटेल्स याद करो वर्ड, फिर उसके बाद कहते हैं एंड लोकल, पहुंच जाओ ऊपर। लोकल का जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा एरिया से मैच होता है। तो अब जाओ पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, स्कैन करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये रही सर, बिटवीन द चूजन लोकेशन। तो आगे चलो, यूज्ड पब्लिक, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल एंड बिटवीन द देवर ऑल्सो, देखो आ गया ऑल्सो, मानते हो सर की बात है? मैंने लिखवाया था अभी आपको कि एंड जो है वो ऑल्सो की मीनिंग्स में भी आपको लिख कर दिया जाता है, देख लो ऑल्सो लिखा हुआ है। कौन कहते हैं जनरल रीडिंग अलग होती है और एकेडमिक रीडिंग अलग होती है? बेवकूफ है वो लोग भाई, सेम चीज है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, सेम वोकैबुलरी यूज होती है। बार बार मैं अपने सेशन में ये बात बताता हूँ, लेकिन नहीं, हम तो एकेडमिक वाले, हम जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें, एकेडमिक वाले अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि उनका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होता है, लेकिन पेपर उनका सेम टाइप का ही है बेटा। तो अब बताइए, लोकल का वर्ड एरिया से मैच हो गया, लिख लो लोकल इज इक्वल टू एरिया। ये घुट्टी में मिलाकर पिलाता हूँ मैं, लोकल इज इक्वल टू एरिया, हमेशा इससे मैच होगा, लोकल इज इक्वल टू एरिया। अच्छा अब मैंने अभी आपको डिटरमिनर सिखाया है, डिटरमिनर जाओ, डिटरमिनर की टेक्निक यूज करके जवाब लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ट्रेवलर कुड सेंड अ लिंक टू देयर, कुड मिल गया आपको, एनी वन कुड, बस उठा लो। सिक्स वाला लोकल, बेटा लोकल देखो, लोकल ऑल्सो लिंक्स टू अकोमोडेशन इन द एरिया, तो एंड लोकल अकोमोडेशन। तो ये जो लोकल का वर्ड है ना, ये एरिया से पैराफ्रेज होता है, और मैंने इसको तकरीबन 22 मरतबा देखा है आपके पेपर में, 22 मरतबा, बहुत दफा रिपीट हुआ है लोकल। ट्रेवलर्स कुड सेंड अ लिंक टू देयर, बेटा वहीं पर कहाँ इतने आगे चले गए बेटा? ट्रेवल, एनी वन कुड सबमिट अ ब्लॉग ऑफ देयर, देखो आगे पीछे वर्ड चिपकाए हुए हैं, तुम वेबसाइट में कहाँ चले गए भाई? तुम डिटरमिनर को चिपकाया हुआ ना आगे पीछे, बस वो तुम्हारे लिए क्लू था,
कुड सेंड अ लिंक टू देयर ब्लॉग। भाई हर इंसान का ब्लॉग होता है, आप उन अपने ब्लॉग का लिंक उनको भेज दें, वो अपनी वेबसाइट पे चिपका देंगे। ओ आई सी, सीख लेते थोड़ी सी तुम लोग वेब डेवलपमेंट, काबिलियत का पेपर है ये। जहां से फिलिंदा ब्लैंक्स खत्म हुई है, अब वहां से आपके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का आगाज हुआ है। ओ बस मेरी दुआ है कि पेपर ऐसा ही आए कि पहले या तो ट्रू फॉल्स और नॉट, यस कमर ब्लॉग, या तो पहले आप फिलिंदा ब्लैंक्स आपको टकरा जाए या फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टकरा जाए। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, इस तरह का पेपर आपके पास आना चाहिए। ये आपका एकेडमिक रीडिंग पैसेज वन है, ठीक है। चलिए अब वही फॉलो कीजिएगा ट्रिक्स जो मैंने बताई है। दो स्टेटमेंट्स को पहले पढ़िए, आंसर आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, फिलिंदा ब्लैंक्स के भी और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के भी, सही है। चलिए द वेबसाइट, पहले दो स्टेटमेंट्स पढ़ने और अब मुझे थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी। अब मैं छलांगे नहीं लगा सकता बिकॉज मैं फॉल्स और नॉट गिवन का फैसला पढ़कर ही कर सकता हूँ, स्कैनिंग करके नहीं कर सकता। द वेबसाइट newzealand.com एम टू प्रोवाइड रेडीमेड इनिशरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रेवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट। पहली बात, इट वॉज फाउंड द मोस्ट विजिटर स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए होती है वर्ब, एम टू प्रोवाइड रेडीमेड इनिशरीज स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वेबसाइट, पास सिंपल लिखा हुआ है, ऊपर भी पास सिंपल है, ये मेरे बात को फोकस करना, संडे टेंस को फोकस किया है। द वेबसाइट वॉज सेटअप, हाँ सर पास सिंपल है, बिल्कुल है, देखिए वॉज सेटअप टू अलाउ, जी जी सर, बोथ इंडिविजुअल्स एंड ट्रेवलर्स टू क्रिएट इनिशरीज। यहां तो लिखा हुआ है टू क्रिएट, वो कह रहे हैं टू प्रोवाइड रेडीमेड। भाई टू बैड है, साथ में आपको एक ब्रेकफास्ट मिलेगा, एक लंच मिलेगा, एक रात का खाना मिलेगा और कंबल मिलेगी, चाय मिलेगी। वो कह रहे हैं भाई आप खुद क्रिएट करें, आपको कितने बेड चाहिए, कब लंच, कितने लंच चाहिए, आप खुद क्रिएट करें। वो तो कह रहे रेडीमेड, वो कह रहे क्रिएट, वो कह रहे रेडीमेड, वो कह रहे भाई क्रिएट खुद से क्रिएट करें, वो कह रहे रेडीमेड है, तो भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है, उल्टी बात कर रहे, दिमाग घुमा रहे, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आ गई बात समझ, ठीक है ना बेटा। इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। अगली लाइन में देखें आपको जियोग्राफिकल लोकेशन का वर्ड नजर आ गया, आ गया, जवाब लेकर आओ, फिर मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, जवाब लेकर आओ, मैंने जियोग्राफिकल लोकेशन निकाल कर दे दिया अगली ही लाइन में, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जिसने सही जवाब, अनीता, वेरी गुड, ट्रू, अनीता ने कहा ट्रू, बाकी लोग, दीनत ने कहा ट्रू, जी सर, देखे ना सर जियोग्राफिकल लोकेशन, देखे सना ने भी कहा ट्रू, तीन शहादतें आ गई पाकिस्तान के मुख्तलिफ चेहरों से ट्रू की, तो बस एक शहादत और आई है फॉल्स, एक और फॉल्स, एक और ट्रू, एक और ट्रू, एक फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की शहादतें पूरे पाकिस्तान से मौसूल होना शुरू हो गई है। आइए अब मौलाना साहब क्या कहते हैं, मौलाना साहब की बातें सुनते हैं, आइए। इट वॉज फाउंड दैट द मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग, पढ़े, ऑन द वेबसाइट विजिटर्स कैन सर्च। क्या आपका टेंस मैच हुआ, क्या आपका कहीं से कोई टेंस मैच हुआ, कर सकते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है, लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया, कहाँ लिखा हुआ है, वो कह रहे तलाश कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन प्यारे सर वो देखे ना आगे लिखा हुआ है जियोग्राफिकल लोकेशन। प्यारी बहन और प्यारे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था, आप ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को देखकर भयकिएगा मत, जियोग्राफिकल लोकेशन,
आपने उसको देख लिया, देखे ना सर, लिखा हुआ है सर बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। बेटा वर्ब को पढ़ो ना, विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग, विजिटर्स कैन सर्च, बहुत आर डिफरेंट। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है कि लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया। कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है तलाश करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, पहला वर्ब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिखा हुआ इट वॉज फाउंड, बता दो ना। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है खलील भाई, इट वॉज फाउंड कहाँ लिखा हुआ है, इट वॉज फाउंड बता दो, कोई पास सिंबल का जुमला ला कर दे दो मुझे। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो जवाब टेंशन नॉट नॉट गिवन। सही है भाई, गॉट इट। थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व करते हैं। 26% ऑफ विजिटर सेटिस्फेक्शन किस चीज से है? अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% किस से है भाई? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वहां पे भी लिखा हुआ है 26%। कहता है कंट्रीब्यूटिंग विजिटर सेटिस्फेक्शन, कंट्रीब्यूटिंग 74% टू विजिटर सेटिस्फेक्शन व्हाइल ट्रांसपोर्ट प्लस एकोमोडेशन अकाउंट फॉर रिमेनिंग 26%। और इस स्टेटमेंट में क्या लिख कर दिया है? एकोमोडेशन 26%। मैथ्स अगर आती है, देखो काबिलियत का पेपर है भाई, काबिलियत लैंग्वेज का है यहाँ पर, काबिलियत थी, मैथ्स आनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट वर्ड वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते थे, ये वही वर्ड प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन प्लस एकोमोडेशन इज इक्वल टू 26%। वो कह रहा है 26% स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर एकोमोडेशन, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, गॉट इट, आ जाता है समझ, थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि दिमाग में गूदा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। नहीं आई, देखो आप कोई वाली बात नहीं समझ आई, बहुत आसान थी। दोबारा देखिए, वहां कहता है राजा भाई आपके लिए दोबारा से, कहता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% सेटिस्फेक्शन किस चीज से है? अकोमोडेशन से है। ठीक है, ठीक है भाई, वहां पढ़िए। कहता है एक्टिविटीज आर द, कहता है एक्टिविटीज आर द की ड्राइवर्स ऑफ विजिटर सेटिस्फेक्शन। जो एक्टिविटीज है, अगर मैं पूरी बात लिखूं तो एक्टिविटीज, एक्टिविटीज 74% सेटिस्फेक्शन होते हैं, बहुत मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो, और बाकी जो रिमेनिंग बचा 26% वो वहां लिखा हुआ है एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट। एकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्ट 26%, और यहाँ स्टेटमेंट में लिख कर दिया है एकोमोडेशन 26%, तो ये तो उल्टी बात कर रहे हैं, तो आपका जवाब फॉल्स हो गया। सही है ना भाई, अब समझ आ जानी चाहिए आपको। नहीं समझ आई तो आपके लिए दुआ है। चले अच्छा भाई, आगे चलते हैं। विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स इन न्यूजीलैंड रादर देन इन अ लार्ज लार्जर वन। दो स्टेटमेंट पढ़ने की आदत डाला करें। अच्छा अब आगे चलते हैं, कहाँ तक पढ़ा था? इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट विजिटर्स एंजॉय कल्चरल एक्टिविटीज लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन द लोकल कल्चर। एंजॉय कल्चरल एक्टिविटीज लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स न्यूजीलैंड रादर देन लार्जर वन। मैनी विजिटर्स फील इट इज अनलाइकली दैट दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड आफ्टर देयर विजिट। आइए, कहीं स्मॉल होटल नजर आ रहा है? स्मॉल होटल, स्मॉल होटल, स्मॉल होटल, कोई कीवर्ड तलाश कर लिया करें। मैनी विजिटर्स न्यूजीलैंड, तो हर जगह लिखा होगा स्मॉल होटल्स। चलिए देखिए, मैं इधर से पढ़ता हूँ। कहता है मैनी लॉन्ग हॉल ट्रेवलर्स एंजॉय सच लर्निंग एक्सपीरियंस विच प्रोवाइड स्टोरीज टू टेक होम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इन एडिशन
इट अपीयर्स विजिटर्स डोंट वांट टू बी वन ऑफ द क्राउड. फाइन एक्टिविटीज इन्वॉल्व पीपल स्पेशल मीनिंगफुल. आर्ग्यूड न्यूजीलैंड इज नॉट अ टिपिकल डेस्टिनेशन. के मुंह उठाया और मरी पहुंच गए, जहां बर्फबारी हुई पाकिस्तानियों की तरह मरी पहुंच गए. न्यूजीलैंड इज नॉट अ टिपिकल डेस्टिनेशन. नक्शे में आप तलाश कीजिएगा, बिल्कुल दुनिया के कोने पर है. न्यूजीलैंड इज अ स्मॉल कंट्री विद अ विजिटर्स इकोनॉमी कंपोज मेनली ऑन स्मॉल बिजनेसेस. इट इज जनरली परसीव्ड एज अ सेफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री विद अ रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर. कहाँ है भाई? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट, 3 दिन की फ्लाइट होती है, मोस्ट विजिटर्स स्टे फॉर लॉन्गर. लोग ज्यादा से ज्यादा, बहुत जितना ज्यादा वो लोग रुक सकते हैं कि जो है वो 20 दिन के लिए रुकते हैं, और 20 दिन के लिए रुकते हैं एंड वॉन्ट टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल. वॉट इज ऑफन सी वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी के इट इज अनलाइकली दैट दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड आफ्टर देयर विजिट. वंस इन अ लाइफ टाइम, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. और 12th का जवाब आपको मिला नहीं तो टेंशन नॉट, दैट इज नॉट गिवन. जिस तरह से मैंने पढ़ाया बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा आपको एक असाइनमेंट दूंगा. असाइनमेंट का टाइम सॉल्व करने का आपको इतना ही होगा जितने आपके पास क्वेश्चंस होंगे. बस उसका टाइमर अपने साथ रखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? स्विचिंग टुवर्ड्स आईएलटीएस 13 पार्ट 1, लिसनिंग.